दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पांच ऐसे बिजनेस जो आप 1 लाख रुपए या इससे कम में शुरू कर लेंगे और आप अपने घर से इसको शुरू कर पाएंगे, कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर पाएंगे। फ्रेंचाइजी बताओ आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है मात्र 1 लाख रुपए में अपना खुद के ब्रांड का गिफ्ट स्टोर स्टार्ट करने का, जिसमें कि आपको 1 लाख रुपए तक के गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाएंगे जिनको सेल करके आप प्रॉफिट भी अच्छा कमा पाएंगे, साथ ही साथ आपको आपके अपने ब्रांड की ई कॉमर्स वेबसाइट गिफ्ट स्टोर प्रॉपर बनाकर दी जाएगी जो आपको फ्रेंचाइजी बताओ बनाकर देगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। साथ ही साथ आपको सारे सोशल मीडिया क्रिएट करके दिए जाएंगे, आपके जितने भी गिफ्ट्स होंगे उनमें से जो टॉप 20 गिफ्ट्स होंगे उनको बिल्कुल फ्री में अमेजन पर और फ्लिपकार्ट पर और ऐसी वेबसाइट पर जहां से ऑनलाइन सेल्स आ सकती है वहां पर लिस्टिंग करके दिया जाएगा, और आपको GST, MSME और जो भी जरूरी लाइसेंसिंग होंगी वो बिल्कुल एक्चुअल गवर्नमेंट कॉस्ट पर आपको बना कर दी जाएंगी। और ये सारा कुछ इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है सिर्फ 1 लाख रुपए में, मतलब कि दोस्तों यहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपने अपना खुद का ऑनलाइन गिफ्ट स्टोर स्टार्ट कर लिया, स्टार्टिंग में आप एक छोटे से एरिए में मार्केटिंग करके वहां पर आप गिफ्ट सप्लाई करोगे, बाद में आप पैन इंडिया इसकी सप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका बिजनेस बड़ा बन जाता है तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और फ्रेंचाइजी राइट्स भी सेल कर सकते हो, मतलब कि आप प्रोडक्ट सेल करके जो प्रॉफिट कमाओगे वो तो कमाओगे ही कमाओगे, फ्यूचर में अगर आपने मेहनत की तो हो सकता है कि आप अपनी रॉयल्टी सेल करके, अपना ब्रांड नेम सेल करके भी एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ जो बड़ी सोच रखते हैं वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। तीसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों मुद्रा सेंटर की। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा सेंटर जो बन चुका है मुद्रा शॉपी। दोस्तों आप गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, आप सिर्फ 1 लाख रुपए लगाकर कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो मुद्रा शॉपी से बेहतर बिजनेस नहीं होगा आज के दिन, जहां पर आपको कंपनी 14,000 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है और इस सब्सिडी के अलावा आपके पूरे दुकान का सेटअप तैयार करके दे रही है। सेटअप में आपको क्या क्या मिलता है आइए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। आपको कंप्यूटर मिलेगा, आपको प्रिंटर मिलेगा, आपको कंप्लीट प्रिंटिंग की मशीन मिलेगी जिससे कि आप कप प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, किचन प्रिंटिंग, गिफ्ट आइटम प्रिंटिंग, ये सारे प्रिंटिंग के काम कर सकते हो। इसके अलावा आपको मोबाइल एसेसरीज का स्टॉक मिलेगा, आपको पेपर का स्टॉक मिलेगा, आपको दोस्तों स्टेशनरी का स्टॉक मिलेगा, आपको बहुत सारी अलग अलग सर्विस के लिए सर्विस पोर्टल मिलेगा जिसके के जरिए आप लोगों का मनी ट्रांसफर, अलग अलग मोबाइल रिचार्जेज, बहुत सारी गवर्नमेंट की सेवाएं जो आप दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप मुद्रा शॉपी के जरिए दे पाएंगे। मुद्रा शॉपी के बारे में जानना चाहेंगे, एक कंप्लीट वीडियो मैंने पहले बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से जान पाएंगे कि आखिरकार कंपनी किस तरीके से आपको 14,000 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है और आपको पूरा सेटअप भी रेडी करके दे रही है। आपको इन सब चीजों को काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट स्टॉक होगा, जैसे कि आपको हैंगर्स चाहिएंगे, जैसे कि आपको कुछ वॉल में लगाने के लिए वॉल फिटिंग्स चाहिएंगी, ये वॉल फिटिंग्स हैंगर्स वगैरह भी कंपनी आपको इसी प्राइस में दे रही है। आपको सेटिंग किस तरीके से करनी है वो भी करवा के दे रही है, आपके बिजनेस को ऑनलाइन पोस्ट करके भी दे रही है, इनिशियल पहले महीने आपके बिजनेस का ऑनलाइन प्रमोशन भी होगा, मतलब कि आपके धंधे को सेट करके दिया जाएगा और आप इसमें आसानी से 20% से लेकर 100% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो, मतलब कि आसानी से कोई भी इस काम को करके महीने का 20-25,000 रुपए से लेकर 1-1.25 लाख रुपए तक भी कमा सकता है। आपको चाहिए क्या, एक छोटी सी दुकान चाहिए, 10x10 में भी हो सकता है, 10x8 में भी हो सकता है, 10x6 में भी हो सकता है, मतलब 60 स्क्वायर फीट दुकान में भी हो सकता है, और 100 स्क्वायर फीट या 125 स्क्वायर फीट की दुकान मिल गई तो फिर तो आपका सेटिंग बहुत अच्छा ही हो जाएगा। आपको 100% कंपनी सपोर्ट के साथ मुद्रा शॉपी की फ्रेंचाइजी मिल रही है, एक माइक्रो ATM के साथ, 14,000 रुपए सब्सिडी के साथ, मात्र 1 लाख रुपए में। इंक्वायरी करने के लिए आपको नंबर दे दिया गया है। तो ये तीसरा बिजनेस आइडिया है जो इस समय बहुत ही तेजी से हिट पकड़ रहा है, जो इस समय लोगों डिमांड कर रहे हैं, तो आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप चाहें तो मुद्रा शॉपी के रिटेल पार्टनर बन सकते हैं, मुद्रा शॉपी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर बन सकते हैं, या फिर मुद्रा शॉपी के मास्टर फ्रेंचाइजी पार्टनर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जानकारी लेनी पड़ेगी मुद्रा से, या फिर इनके नोएडा ऑफिस में आकर आपको मिलना होगा। तो एक तीसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने बताई। तो चौथी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो कौन सी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है दोस्तों TOCN की। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसका भी एक कंप्लीट वीडियो पिछले दिनों बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कंपनी आपको पूरा चाय का स्टोर
1,00,000 रुपए में स्टार्ट करा के दे रही है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 1,00,000 रुपए तो फ्रेंचाइजी फीस होती है बहुत सारे ब्रांड्स की, लेकिन टी ओशियन ने एक कसम खाई है कि पूरी इंडिया में लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, लोगों को एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी देनी है। तो टी ओशियन आपको दे रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि आप भी टी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं सिर्फ 1,00,000 रुपए में, जिसमें कि आपको रेफ्रिजरेटर भी मिल रहा है, टी मशीन भी मिल रही है, टी के आपको रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, आपको एलईडी टीवी भी मिल रहा है, आपको स्टोरेज की कैपेसिटी भी मिल रही है, आपको बोर्ड वगैरह एवरीथिंग, मतलब हर चीज कंपनी आपको 1,00,000 रुपए में कायोस्क मॉडल में रेडी करके दे रही है। और आप टी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं सिर्फ 1,00,000 रुपए में। आपको कंपनी को कोई रॉयल्टी नहीं देनी है, कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं देनी है, सिर्फ वन टाइम सेटअप करेगी कंपनी, ब्रांड कंपनी का रहेगा और आप इसको रन करोगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाओगे। तो करना चाहोगे टी ओशियन का काम, पूरा वीडियो देख लीजिएगा जो ऑलरेडी इस चैनल पर डला हुआ है, या फिर आप टी ओशियन सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको इनकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, 5 बिजनेस में से ये बिजनेस बहुत तेजी से लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत तेजी से लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। दोस्तों 5वां बिजनेस जो मैं आपको बताना चाहूंगा ना, ये बिजनेस भी सही में लोगों को मजेदार लग रहा है, लोग अलग अलग जगह पर इस काम को कर रहे हैं। हर पेरेंट्स क्या चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में जाए, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके बच्चे की लाइफ सिक्योर हो, फ्यूचर सिक्योर हो, और हर कोई ये समझता है कि फ्यूचर कहाँ सिक्योर होता है, जब आप SSC में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, बैंकिंग की आपको नौकरी मिल जाए, आप IAS में चले जाओ, मतलब एक आपको सिक्योर जॉब मिल जाए जिसको हम सरकारी जॉब बोलते हैं। तो सरकारी जॉब करने के लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, और सरकारी जॉब की तैयारी कराने के लिए एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है तारा इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, तारा इंस्टीट्यूट भी दे रहा है अपनी फ्रेंचाइजीज, मेट्रोज में नहीं दे रहा है, छोटे छोटे गाँव में, शहरों में, एक पिनकोड लेवल पर, तालुका लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ये फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। मात्र 60,000 रुपये से इनकी फ्रेंचाइजी शुरू हो जाती है, 1,00,000 भी नहीं लगाने हैं, मात्र 60,000 रुपये से इनकी फ्रेंचाइजी शुरू हो जाती है और 40-50% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। आसानी से कोई भी एक पढ़ा लिखा आदमी जिसकी काउंसलिंग अच्छी है, जिसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, वो आसानी से तारा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो अगर आप भी ऐसा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तारा इंस्टीट्यूट का जुड़ना चाहते हो, तो आपको इनकी फ्रेंचाइजी मिल सकती है आपके अपने शहर में मात्र 60,000 रुपए में। जानना चाहोगे कैसे? जानने के लिए आप कॉल करिए, फ्रेंचाइजी बताओ से मिलिए, या फिर तारा इंस्टीट्यूट से बातचीत करिए, जहां पर आपको ये आपको ना कि फ्रेंचाइजी देंगे बल्कि गाइड भी करेंगे। पूरे एग्जाम्स तारा इंस्टीट्यूट करवाती है, एजुकेशन तारा इंस्टीट्यूट करवाती है, ऑनलाइन कोचिंग काउंसलिंग होती है, आपको केवल मार्केटिंग करनी है, स्टूडेंट्स लेकर आने हैं, उनकी काउंसलिंग करनी है, एडमिशन करना है, उसके बाद आपका काम खत्म और आपके प्रॉफिट आपके जेब में। तो ये दोस्तों 5 अलग अलग मैंने बिजनेस बताए, और ये 5 बिजनेस नहीं है, ऐसे 500 बिजनेस आपको मिलेंगे। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कम पूंजी है, ज्यादा पूंजी है, आप फ्रेंचाइजी बताओ में आए, आकर बातचीत करें, हम आपको गाइड करेंगे, कंसल्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ किसी बिजनेस में दम है तो आप शुरू करिए, क्योंकि दोस्तों इस समय क्या हो रहा है, मैं आपको एक चीज से अवेयर भी करना चाहूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जिनको नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी वो आपको बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं, बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, ये वाला बिजनेस कर लो, वो वाला बिजनेस कर लो। बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, कई बार मेरे साथ भी ऐसे लोग टकरा जाते हैं, जब मैं उनके बिजनेस को एनालाइज करता हूं तो पता चलता है ये बिजनेस नहीं है, ये स्कीम है। तो दोस्तों आप कभी भी किसी स्कीम में इन्वेस्ट ना करें, बिजनेस में इन्वेस्ट करें। बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आएगा, स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट आ जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, कोई नहीं बचा सकता। आज तक कोई स्कीम लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं रही है, लॉन्ग टर्म सस्टेन केवल बिजनेस ही रहा है। तो आप कोई ऐसा बिजनेस ढूंढें, बिजनेस कैसे ढूंढेंगे, आप देखिए उसमें आपको काम क्या करना पड़ रहा है, वहां पर आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, क्या वो रेवेन्यू में, इस समय बहुत सारे टी कैफेज खुल रहे हैं और चाय सेल करके पैसे कमाने हैं, पता चल रहा है कि इनका रेवेन्यू मॉडल भी सही है। 5वां मैंने बताया आपको तारा इंस्टीट्यूट के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया कि आपको एडमिशंस के लिए मार्केटिंग करनी है, एडमिशंस लेने हैं, जो भी एडमिशंस आएंगे उसमें से आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाएगा। मतलब हर जगह ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका प्रॉफिट आपका रेवेन्यू कहां से आ रहा है। तो जहां पर कहां क्लियर है वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये देखिए कंपनी कौन सी है, क्या सही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी कितने समय से है, कंपनी भागने वाली तो नहीं है। देखिए गारंटी किसी चीज की नहीं है, आप भले ही फ्रेंचाइजी बताओ से डील करें, कहीं से भी डील करें, आपको फ्यूचर की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जब आपको पता है कि कंपनी का प्रोसेस सही है, कंपनी लंबे समय से काम कर रही है, कंपनी ईमानदार कंपनी है, तो वहां पर रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। बिजनेस में रिस्क कभी खत्म नहीं होता है,
लेकिन मिनिमाइज तो हो जाता है। तो आप केवल ऐसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जुड़िए फ्रेंचाइजी बताओ से। हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपका बिजनेस पैन इंडिया प्रमोट हो सकता है और आप मुझसे मिल सकते हैं मुंबई में 10, 11, 12 मार्च 2023, जहां पर तीनों दिन मैं मुंबई में रहूंगा। मुंबई में होने जा रहा है फ्रेंचाइजी बताओ और पुलिस पब्लिक प्रेस द्वारा बिजनेस आइकन अवार्ड 2023। ये एक शानदार और शानदार अवार्ड शो है जहां पर दोस्तों मैं भी आपको वहीं मिलूंगा और मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स भी और साथ ही साथ कुछ टीवी कलाकार भी। मिलते रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। जय हिंद, जय भारत।